हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गेटिंग हेल्प फ्रॉम माय वीडियोस. स्टूडेंट्स, इन योर लास्ट थ्री वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड टुडे वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज विलेजेस ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट विद द विलेजेस ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल विलेजेस. लाइफ ऑफ पीपल इन विलेजेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिटी लाइफ एंड मोर दैन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इंडियन विलेजेस. सी, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें बहुत सारे छोटे और बड़े विलेजेस हैं. अगर आपको इंडिया को देखना है करीब से, आपको भारत की लाइफ को देखना है करीब से, तो आपको विलेज को विजिट करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया का जो लाइफ है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. तो इस चैप्टर में हम विलेजेस के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में. नाउ यू कैन सी द पिक्चर हियर. हियर दिस लेफ्ट साइड पिक्चर, इट इज़ ऑफ विलेज लाइफ. विलेज लाइफ आप देख सकते हो कैसा होता है एंड सिटी लाइफ. सिटी में आपको हर तरफ शोर शराबा आपको मिलेगा, गाड़ियों के हॉर्न्स हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट जो कि एरोप्लेन्स की आवाज़, कार्स की आवाज़, बसेस की आवाज़, स्कूटर की आवाज़, ये सब आपको सुनने को मिलेगा. और विलेज में आप देखो शांति होती है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता है और लोग जो है वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं. सिटी लाइफ जो है वो फास्ट होती है. देन आप यहाँ देख सकते हो सेकंड पिक्चर में, विलेज लाइफ जो है बिल्कुल वहाँ पर हरियाली होती है चारों तरफ. सिटी में आप देखोगे हर तरफ आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, फ्लैट्स दिखाई देंगे, है ना. हियर ऑल्सो यू कैन सी अर्बन मीन्स शहरी और जिसको हम कहते हैं सिटी, सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ. और रूरल मीन्स ग्रामीण, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण, मतलब जो विलेज का लाइफ होता है, दैट इज़ रूरल. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ. विलेजेस में जो लाइफ होता है वो शांत होता है, यहाँ पर जो एयर होती है वो क्लीन होती है, प्योर होती है. सिटीज़ में जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, इट इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन से भरी हुई वो एयर होती है, है ना. देन आवाज़ के बारे में मैंने बताया, शोर शराबा होता है. सिटी लाइफ जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, लोग अपने अपने काम के पीछे भागे रहते हैं, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को अपने काम पे जाना है. विलेजेस में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट उनका ऑक्यूपेशन यानी कि काम होता है लोगों का, वो है फार्मिंग. सुबह होते ही लोग अपने अपने खेतों में जाते हैं. नाउ वी विल सी लाइफ इन अ विलेज. इंडिया का अगर कोई विलेज आप लेते हो तो वहाँ का लाइफ कैसे होगा. इन विलेज मोस्ट पीपल रेज काउज फॉर मिल्क एंड बुल्स टू हेल्प देम इन फार्मिंग. लोगों के पास अपनी अपनी गायें होती हैं दूध के लिए, जो दूध देती है उनको, और बुल्स, बैल जिसको हम बोलते हैं, वो उनको फार्मिंग में हेल्प करते हैं. तो मोस्टली गांव में जो किसान होते हैं उनके पास ये एनिमल्स आप देख सकते हो. इसके साथ ही उनके पास गोट्स होती है, शिप्स होती है, हेंस होती है और डॉग्स वो रखते हैं. तो बहुत सारे एनिमल्स उनके पास रहते हैं जो उनको हेल्प करते हैं. बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन द फील्ड्स. और घर के जितने भी मेम्बर्स होते हैं बड़े, वो सब खेतों में काम करने जाते हैं. देन वो कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि व्हीट है, गेहूँ, सोयाबीन, ब्लैक ग्राम यानी कि चना, कॉटन, राइस, चावल, मिलेट्स. मिलेट्स में आते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं और फिर हम उनको खा पाते हैं, है ना. फूड इज़ कुक्ड ऑन चूल्हाज. चूल्हा आपने देखा होगा मिट्टी से बना हुआ होता है और ये जो चूल्हा है यही उनका मेन साधन होता है फूड को कुक करने के लिए. तो जो चूल्हा होता है इट इज़ मेड ऑफ मड, मिट्टी से बना होता है, और उसके लिए वो यूज़ करते हैं फायरवुड यानी कि जो लकड़ी होती है उससे वो अपना खाना बनाते हैं उसको जला कर. आप देख सकते हो विलेज की लाइफ, उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनके पास बुलक कार्ट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. देन दे कीप बफेलोज, काउज एंड मेनी अदर एनिमल्स, दोज हेल्प देम इन फार्मिंग. यू कैन सी हेन्स रखते हैं वो अपने पास जो कि उनको एग्स प्रोवाइड करते हैं. बुल्स हैं जो फार्मिंग में हेल्प करते हैं हल चलाने के लिए. देन काउज आप देख सकते हो जो उनको मिल्क देती. तो दीज आर द ऑल एनिमल्स दिस फार्मर्स कीप विद देम. कुछ फार्मर्स शिप्स को भी रेयर करते हैं, शिप्स को रखते हैं वूल के लिए. कुछ फार्मर्स गोट्स रखते हैं अपने पास. देन जो लेडीज़ होती हैं घर की, वुमेन जो होती है वो भी खेतों में काम करने जाती है. घर के सारे मेंबर जो है वो काम करते हैं. तो आप देख सकते हो सुकून भरी जो लाइफ होती है, शांति जो चाहिए अगर आपको लाइफ में, तो आपको विलेज में जा कर के रहना होगा. देन दिस इज़ द क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूँ जिसको हम बोलते हैं. देन दिस इज़ द कॉटन. ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो फार्मर्स ग्रो करते हैं. दिस इज़ राइस, राइस फील्ड. देन चना यानी कि ब्लैक ग्राम और दूसरे कलर का भी होता है.
देन दिस इज सोयाबीन फील्ड और दिस इज सोयाबीन्स। देन जो मैंने आपको मिलेट्स बताए थे, मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन्स भी उनको कहते हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, एक ये रेड कलर का ग्रेन आता है रेड मिलेट्स, देन मक्का है, दीज आर द कोर्स ग्रेन्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। देन शुगर केन एंड दिस इज द चूल्हा जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। तो ये जो चूल्हा है ये मिट्टी से बना होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उसके लिए ये लकड़ी जो है वो यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, या फिर जो गोबर होता है, गोबर से बने हुए जो केक्स होते हैं उसको भी चूल्हे में जला सकते हैं। सो द पीपल इन विलेजेस दे डू नॉट हैव गैस स्टोव और सिलेंडर्स, सो दे यूज़ दिस चूल्हास टू मेक देयर फूड, कुक देयर फूड। देर आर टू स्कूल्स इन अ विलेज, द फर्स्ट इज़ प्राइमरी स्कूल एंड द अदर इज़ सेकेंडरी स्कूल। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेजेस गो टू दिस स्कूल्स। अब विलेजेस में बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं होती है और ना ही बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स होते हैं, बट जो गवर्नमेंट जिनको ऑपरेट करती है ऐसे छोटे स्कूल्स वहाँ पर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल होता है और सेकेंडरी स्कूल, मतलब एट्थ वन से लेकर के एट्थ क्लास तक के जो बच्चे हैं वो इन दोनों स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। प्राइमरी स्कूल्स अप टू 1 to 5 क्लासेस एंड देन 6 to 8 क्लास जो होती है, या फिर 10th क्लास तक के जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं उनमें ये बच्चे पढ़ते हैं। फिर जब उनको आगे की पढ़ाई करनी होती है तो दे हैव टू गो टू द सिटी, उनको सिटी में जाकर के आगे की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है या फिर पुलिस स्टेशन है या जो मार्केट होता है वो उनके इन विलेजेस से बहुत दूर होते हैं, तो इन सब के लिए उनको सिटी में आना पड़ता है। पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर जॉब्स एंड हायर एजुकेशन। मैंने अभी बताया आपको, अगर उनको 11th 12th क्लास करनी है या फिर कॉलेज में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उनको सिटी में जाना पड़ता है, क्योंकि विलेजेस में ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पोस्ट ऑफिस भी नहीं होता है, वहाँ पुलिस स्टेशन भी नहीं होता है, तो नियर बाय जो टाउन होता है या फिर सिटी होता है वहाँ उनको जाना पड़ता है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्कूल, आप देख सकते हो यहाँ बच्चे जो है बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे विलेजेस आज भी ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं है, तो बच्चे जो है बाहर ही बैठते हैं, या फिर एक ही बिल्डिंग है और बच्चे ज़्यादा हैं तो ऐसी कंडीशन में बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं। अगेन यू कैन सी वन पिक्चर हियर, बिल्डिंग है यहाँ पर प्राइमरी स्कूल। आजकल बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं, और ऐसे स्कूल्स में बच्चों को कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे ही विलेजेस में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं या फिर छोटी छोटी स्कूल्स होती हैं, आजकल वहाँ पर भी ग्राम पंचायत जो होती है वहाँ की वो स्कूल्स के लिए ग्रांट देती हैं, पैसे आते हैं गवर्नमेंट से और फिर बिल्डिंग्स बनती हैं, ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 रूम तो होते ही हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स जो है वो गवर्नमेंट से प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे से अब करने लग गए हैं। देन बच्चों को जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, मिड डे मील मतलब उनको स्कूल में ही लंच दिया जाता है जो कि ब्रेक में उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी उनको अलग अलग दिन अलग अलग तरह का जो फूड है वो दिया जाता है खाने के लिए, और ये इसलिए है कि ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं या फिर कहीं और जाते हैं काम करने के लिए, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो वहाँ पर खाना भी खा सके और पढ़ भी सके, इसलिए इन बच्चों के लिए ये मिड डे मील जो है वो शुरू किया गया। ये इंडिया के सारे जो विलेजेस हैं वहाँ पर ये बच्चों के लिए अवेलेबल है, तो मिड डे मील इसको कहते हैं। देन द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है विलेजेस में वो होता है बुलक कार्ट, बैलगाड़ी हम जिसको बोलते हैं, वो यूज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस आर, अब जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या है, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, पानी चाहिए उनको साफ़ सुथरा पीने के लिए, फूड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पक्का हाउसेस चाहिए, देन मेडिकल और हेल्थ सेंटर चाहिए यानी कि क्लिनिक चाहिए विलेज में, हाउसेज जो है उनके वो पक्के बने हुए चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि विलेजेस में भी बहुत बड़े बड़े घर अब बनने लग गए हैं, लेकिन पहले जो थे घर उनके बनते थे मिट्टी से या फिर पत्थरों से वो अपने घर बनाते थे, लेकिन अब वो ब्रिक्स और सीमेंट यूज़ करके पक्के घर जो है वो बनाने लगे। देन प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स ये वहाँ का इम्पोर्टेंट नीड है, बेसिक नीड है एजुकेशन के लिए। देन प्रॉपर टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल हो सही से, देन एग्रीकल्चर के लिए जो भी उनको मशीन्स हैं या फिर जो भी ट्रैक्टर वगैरह है वो प्रोवाइड करने चाहिए, देन एनिमल हेल्थ जो है, ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल्स है और कम्युनिटी सेंटर्स है, ये सारी वहाँ की बेसिक नीड्स है।
और ये सारी जो बेसिक नीड्स है गांव के लोगों की, इनको कौन कंप्लीट करता है, कौन इनका ख्याल रखता है? तो उसके लिए हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। अब ग्राम पंचायत क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको जो कि ट्रांसपोर्ट के हैं। इस तरह से जो है विलेजेस में बुलक कार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। देन दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ हाउसेज दैट आर मेड इन विलेजेस। तो विलेज में जो मोस्टली जो घर लोग बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, स्ट्रॉ वगैरह यूज़ करके, बैम्बू यूज़ करके, पत्थर और मिट्टी यूज़ करके अपने घर वो बनाते हैं। हियर अगेन दिस इज द दीज आर द विलेजेस इन राजस्थान। ये राजस्थान के कुछ विलेजेस हैं। दिस इज़ अ टिपिकल हाउस इन वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इस तरह से आजकल वो ब्रिक्स यूज़ करके अपने घर जो है वो बनाने लगे। देन वी विल सी द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत क्या होती है, चलो देखते हैं। ग्राम पंचायत एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जिसमें 5 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। अब ये कौन होते हैं और वो कैसे इलेक्ट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। ऑल द पीपल एट द विलेज हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इलेक्ट द मेम्बर्स ऑफ विलेज पंचायत। जितने भी लोग गाँव में होते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। मतलब वो गांव के ही जो मेंबर्स होते हैं उनमें से 5 लोगों को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। इलेक्ट करना मतलब चुनना है, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर कॉल्ड पंच। और ये जो 5 मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, इनको कहा जाता है पंच। पंच मीन्स 5, ओके। तो ये जो ग्राम पंचायत है इसमें 5 मेंबर्स होते हैं और ये मेंबर्स जो है वो गाँव के ही लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं गाँव के लिए। अब ये ग्राम पंचायत क्या करती है? द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द विलेज, देयर नीड्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अभी हमने बेसिक नीड्स की बात की थी कि गांव में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स है विलेज के लोगों की, उनको कंप्लीट करने का या उनका लुक आफ्टर करने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत के लोगों का। तो विलेज में जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को आती है, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम होता है ग्राम पंचायत के मेंबर्स का। अब उन्हीं 5 मेंबर्स में से एक मेंबर जो होता है, वन मेंबर इज़ इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द पंचायत एंड ही इज़ कॉल्ड द सरपंच। एक जो होता है हेड होता है इन सब का और उसको हम कहते हैं सरपंच, या फिर प्रधान, गांव का प्रधान, या फिर मुखिया भी उनको बोलते हैं, या फिर पाटिल। तो ये जो सरपंच, प्रधान, या फिर पाटिल या मुखिया जो होता है वो पूरे गाँव का हेड होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है गाँव में तो सबसे पहले उनको जाके जो है वो बताया जाता है। एवरी पंचायत मस्ट हैव वन वुमन मेंबर। और ये कंपलसरी होता है कि हर पंचायत में, हर गांव की पंचायत में एक वुमन मेंबर का होना ज़रूरी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से पंचायत के चुनाव होते हैं, यानी कि इलेक्शंस होते हैं, और फिर जो 5 लोग होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है और उनमें से फिर एक हेड यानी कि सरपंच को चुना जाता है। अलग अलग जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनके अपने अलग अलग लोगोज़ हैं। जैसे ये मध्य प्रदेश पंचायत का लोगो है। देन यहाँ आप देख सकते हो राजस्थान का जो ग्राम पंचायत है स्टेट का, उसका ये लोगो है। तो इनके कुछ स्लोगन्स भी होते हैं, जैसे राजस्थान के ग्राम पंचायत का जो स्लोगन है, हमारी ग्राम पंचायत खुशहाल ग्राम पंचायत, है ना। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग लोगोज जो है वो होते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है, ये जो अपने काम करती है, ये कैसे करती है? बहुत सारे काम होते हैं विलेज में करने के लिए। तो ये जो ग्राम पंचायत के लीडर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम ग्राम सभा कंडक्ट करते हैं। अब ग्राम सभा मतलब पूरे गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ पर डिस्कशंस चलते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ओके। तो अभी हम देखेंगे मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वो विलेज के लिए क्या क्या करती है? सबसे पहले है, इट हेल्प्स फार्मर्स टू परचेस गुड सीड्स। अच्छी क्वालिटी के सीड्स परचेस करना है, उनको ट्रैक्टर्स अवेलेबल करवाना है, फर्टिलाइजर्स है, जो खेती के काम में आने वाले जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, और जो मशीन्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराना, ये काम होता है ग्राम पंचायत का। देन सेकंड इज़ प्रोवाइड वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, वाटर एक बेसिक नीड है सभी की। तो गांव के लोगों को, विलेज में जो रहने वाले लोग हैं उनको अच्छी क्वालिटी का यानी कि साफ़ सुथरा जो पानी है, वाटर है, उसका सप्लाई करना इनका काम होता है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज। इलेक्ट्रिसिटी हर घर में होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए सबके घरों में, है ना। और स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं वहाँ पर लाइट्स लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स। तो इनकी जो देखरेख होती है, इनका जो लुकआफ्टर होता है वो ग्राम पंचायत करती है।
इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स द रोड्स इन द विलेजेस. विलेजेस में जो रोड्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना यानी कि उनको बनाना और उनको मेंटेन करना, यानी कि कहीं गड्ढा है तो उसमें मिट्टी डलवाना, सीमेंट डलवाना, पत्थर डलवाना, ये सारे काम किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के. नाउ यू कैन सी द पिक्चर. तो इस तरह से ग्राम सभा होती है जहाँ पर ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है गाँव के उनको डिस्कस किए जाते हैं, और जो प्रधान होते हैं यानी कि जो सरपंच होते हैं वो वहाँ पर मुखिया होते, हेड होते हैं सबके. देन फार्मर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फार्मिंग से रिलेटेड, उसका ख्याल रखते, उसका टेक लुक आफ्टर करते हैं. देन ड्रिंकिंग वाटर जो है ग्राम पंचायत में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो वाटर का जो सप्लाई है यहाँ पर, आप पब्लिक जो टैप है यहाँ से लोग पानी लेकर के जाते हैं, हैंड पंप्स लगवाना है, कुएँ खोदना है ना, वेल्स वगैरह बनाना है, इस तरह के काम जो है वो ग्राम पंचायत करती है. देन स्ट्रीट लाइट्स है और लोगों के जो घरों में जो बिजली है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड कराना ग्राम पंचायत का काम होता है. देन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन विलेजेस, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत. नेक्स्ट इज इट प्लांट्स ट्रीज इन विलेज एंड ऑन द रोड्स. विलेज में जगह जगह पे प्लांटेशन कराना, ट्रीज को लगाना, रोड्स के दोनों तरफ ट्रीज लगाना. देन गार्बेज का डिस्पोजल करना, इट मैनेजेस गार्बेज डिस्पोजल. देन इट प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, बच्चों के लिए और जो बड़े लोग होते हैं एडल्ट जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, और उनको आगे पढ़ना है, लिखना पढ़ना उनको आना चाहिए, इसलिए उनको भी पढ़ाया जाता है, जिनके लिए नाइट स्कूल चलता है. ये लोग दिन भर काम करते हैं और रात को स्कूल में पढ़ने जाते हैं. इट सेट्स अप हेल्थ सेंटर्स, यानी कि जो छोटे छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं वो होते हैं गाँव में, जिसको हम हेल्थ सेंटर बोलते हैं. तो प्लांटेशन होता है गाँव में, बच्चे बूढ़े जो भी है सब लोग मिलके प्लांट्स लगाते हैं. देन इस तरह से जो डस्टबिन्स रखे जाते हैं जिसमें कंपोस्ट किए जाने वाला जो कचरा है, फिर जो रबिश जो होता है दूसरा, और जो रिसाइकलिंग वाला जो कचरा होता है गार्बेज होता है, वो तीनों उसमें अलग अलग जो है वो डाला जाता है. कंपोस्ट मीन्स ऐसी चीज़ें इसमें डाली जाती है जो डिकम्पोज होके इसका कंपोस्ट बन जाता है. रबिश मीन्स ऐसा वेस्ट जो हमारे किसी काम का नहीं है. और जो रिसाइकलिंग वाला जैसे कि प्लास्टिक बॉटल डिस्पोजल्स वगैरह होते हैं वो अलग इसमें कलेक्ट किया जाता है. तो ये काम जो होता है वेस्ट को गांव से कलेक्ट करना और इनको सॉर्ट आउट करना, ये काम होता है ग्राम पंचायत. देन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना. देन नाइट स्कूल जो होती है यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं जो दिन भर काम करते हैं रात को पढ़ सकते हैं, इस तरह का जो स्कूल है एडल्ट स्कूल्स भी वहाँ पर चलते हैं और एक तरह से सबको वो पढ़ाना चाहते हैं. देन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पिक्चर है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये हर गांव में होती है, हर छोटे गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहां पर एक नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं और लोग यहां पर जाके अपना प्राइमरी जो इलाज होता है वो करते हैं. तो इस तरह से लोगों को वो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स. प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन एवरी विलेज. देन ग्राम पंचायत एडुकेट्स पीपल अबाउट द क्लिनलीनेस एंड सैनिटेशन. समय समय पर जो सैनिटेशन और जो क्लिनलीनेस होता है, सैनिटेशन मतलब अपने चारों ओर यानी कि अपने सराउंडिंग में जो है वो किस तरह से हम अच्छा रख सकते हैं, उसको साफ सुथरा रख सकते हैं, अपना जो घर का पानी है सीवेज जिसको बोलते हैं हम, उसको कैसे हम रखें ताकि वहाँ पर फ्लाइज नहीं हो, मक्खियाँ नहीं हो, मॉस्किटोज नहीं हो, है ना. तो इस तरह से क्लिनलीनेस और सैनिटेशन के बारे में उनको बताया जाता है समय समय पर. देन इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन सिस्टम बाय ओपनिंग एसटीडी बूथ. हर गांव में एसटीडी बूथ्स होते हैं. अब तो खैर ये एसटीडी बूथ्स बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो एसटीडी बूथ जो आजकल दिखाई नहीं देते, लेकिन पहले मोबाइल्स नहीं थे लोगों के पास, तो हर गांव में एसटीडी बूथ्स होते जहां से हमें कॉल करना पड़ता था अगर हमें किसी से बात करनी है तो. इट हेल्प्स इन सेटिंग अप द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स. आजकल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो गाँव में बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि सोलर पैनल्स लगाकर वो अपने फार्म के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको वो बनाते हैं या यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी. देन घरों में वो बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, उसके लिए भी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करते हैं अपने घरों में. तो इसके लिए भी ग्राम पंचायत जो है वो हेल्प करती है. इट सेटल्स स्मॉल डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स विच मे टेक प्लेस बिटवीन विलेजेस. अब डिस्प्यूट मतलब कि क्वारल्स और फाइट्स या फिर लड़ाई झगड़े जो गाँव में होते हैं, है ना. तो अगर किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ज़मीन का कोई डिस्प्यूट है, या फिर किसी के साथ किसी की फ़ाइट हो गई दो फैमिलीज़ के बीच में, या फिर कुछ भी हो जाता है इस तरह का मैटर, तो ग्राम पंचायत जो है वो उसमें हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में.
तो इस तरह के एसटीडी और आईएसडी के जो पीसीओ के जो बूथ्स होते थे ये पहले हर गांव में देखने को मिलते थे। देन सोलर पैनल्स, ये घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो फार्म्स होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी इन सोलर पैनल से बनती है। देन जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं घरों के वगैरह, तो उसके लिए भी ग्राम पंचायत के जो पंच लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं। देन हाइजीन और सैनिटेशन मैंने बताया आपको, क्लीनलीनेस, तो गांव में जो बच्चे होते हैं उनको स्कूलों में और ऐसे कैंप्स लगाकर उनको सफाई का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया जाता है। देन हियर यू कैन सी हाउ टू वॉश हैंड्स, इसके बारे में ये जो गर्ल है वो सारे बच्चों को वहाँ पर बता रही है स्कूल में। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है स्कूलों में हुए होते हैं। देन हर घर में जा कर के उनको जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को डिसेंट्री हो गई, लूज मोशंस हो गए, तब उनको क्या देना चाहिए, जैसे कि नॉर्मली हम नमक और शुगर का पानी देते हैं, है ना, तो जिसको ORS घोल हम बोलते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हर घर में जा कर के उनको बताई जाती है लोगों को, ताकि उनमें अवेयरनेस आए कि हमें कैसे रहना है, कैसे साफ़ सुथरा हम रह सकते हैं। द पंचायत्स गेट्स मनी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज़। अब इतना सारा काम पंचायत को करना है तो उनके पास पैसा होना भी ज़रूरी है, तो ये सारा जो मनी होता है ये उनको मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट्स के, जैसे राजस्थान की जो सारे विलेजेस है वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उनको राजस्थान गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, और जो महाराष्ट्र के हैं विलेजेस उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पैसे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, मनी प्रोवाइड किए जाते हैं। सम ग्राम पंचायत्स इन इंडिया आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द पीपल ऑफ देयर विलेज। कुछ जो ग्राम पंचायत है इंडिया के कुछ विलेजेस में, वो अपने गांव के लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे। लास्ट के कुछ ईयर्स में, लास्ट सेवरल ईयर्स, राजस्थान में एक पिपलांत्री करके एक विलेज है, विलेज पंचायत, वहाँ का अभी हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पर। तो इस विलेज में गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए और ग्रीन कवर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वहाँ पर लगाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। हियर विलेजेस प्लांट 111 ट्रीज़ एवरी टाइम अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न। इंडिया में ये एक बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है कि गर्ल चाइल्ड जो है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो राजस्थान का ये जो पिपलांत्री विलेज है, इन लोगों ने एक पहल की थी कुछ सालों पहले कि जब भी वहाँ पर एक लड़की का जन्म होता था गांव में, अभी भी होता है, तो वो क्या करते हैं, हर बार वो 111 ट्रीज़ वहाँ पर विलेज में प्लांट करते हैं। और ओवर लास्ट 6 ईयर्स पीपल हैव प्लांटेड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़ लाइक नीम, शीशम, मैंगो एंड आंवला, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स उन लोगों ने लगाए हैं लास्ट के कुछ ईयर्स में, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस पिपलांत्री विलेज, ये वहाँ का नेम है। देन यू कैन सी दिस इज़ द विलेज पिपलांत्री, आप देख सकते हो विलेज के चारों ओर हरियाली है बिकॉज ऑफ दिस प्लांटेशन। अब ये जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वर्ड्स हैं वहाँ के जो सरपंच, यानी कि पिपलांत्री विलेज के जो सरपंच है, हेड ऑफ द विलेज श्याम सुंदर पालीवाल, ये इनके वर्ड्स हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। आई लॉस्ट माई गर्ल किरण वैन शी वॉज अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड। आई डिसाइडेड टू प्लांट अ ट्री इन हर मेमरी। वैन आई प्रपोज दिस आइडिया टू माई कलीग्स, दे सजेस्टेड लेट्स डू इट फॉर ऑल द गर्ल्स, सेड द विलेज फॉर्मर सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल। तो ये जब वहाँ पर सरपंच थे श्याम सुंदर पालीवाल जी, इन्होंने अपनी उनकी लड़की को खो दिया जब वो 11 साल की थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी की याद में मैं एक पौधा लगाऊँ, एक प्लांट, एक ट्री लगाऊँ। तो उन्होंने ये आइडिया अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया और उन्होंने एक कहा, फ्रेंड्स ने सजेशन दिया कि हम हर एक लड़की के लिए ऐसा कर सकते हैं, है ना, जब भी किसी लड़की का बर्थ होगा, जन्म होगा, तो उसके लिए हम एक प्लांट लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो वहाँ पर ट्रेडिशन है वो शुरू हुआ और एक अच्छा काम उन्होंने शुरू किया। मोर देन अ डिकेड एगो टीम स्टार्टेड द प्रोजेक्ट बाय कलेक्टिंग डाटा ऑफ गर्ल्स बॉर्न इन देयर विलेजेस एंड डिसाइडेड टू प्लांट 111 ट्रीज फॉर ईच गर्ल बॉर्न। और इस तरह से जब उन्होंने थोड़ा वहाँ पर सर्वे किया गांव में कितनी लड़कियाँ एवरेज वहाँ पर बर्थ होता है हर साल, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये सोचा कि हम हर एक लड़की के बर्थ पे हम 111 ट्रीज है जो प्लांट करेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर पूरा ग्रीन कवर आप देख सकते हो पिपलांत्री विलेज में। अब इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अब जो मेंबर्स थे विलेज के उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सब मिलके कितना मनी, 31,000, है ना, 31,000 रुपीज़ वो कलेक्ट करते हैं
पूरे विलेज में से जब किसी एक बच्ची का यानी कि गर्ल चाइल्ड का वहाँ पर बर्थ होता है और वो मनी दिया जाता है उनके पेरेंट्स को, उस लड़की के पेरेंट्स को। अब न्यू बॉर्न पेरेंट्स कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ दिस सम एंड देन इट इज़ पुट असाइड इन अ बैंक टिल द गर्ल टर्न्स 20। और इसमें ये जो 31,000 रुपीज़ होते हैं, इसका जो 1/3 पार्ट है वो उस लड़की के पेरेंट्स उसमें डालते हैं उतने मनी, और बाकी जो पैसे हैं वो विलेजेस कलेक्ट करते हैं सबसे। और फिर ये जो 31,000 रुपीज़ हैं ये बैंक में रखा जाता है जब तक कि वो लड़की 20 ईयर्स की हो जाती है। उसके बाद जो मनी उनको मिलता है 20 साल के बाद, वो जो सेविंग अमाउंट है ये उस लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। गर्ल टू सेव टू बी यूज व्हेन शी ग्रोज अप, दिस हैज़ हेल्प इमेंसली इन रिड्यूसिंग द चाइल्ड मैरिजेस इन आवर कम्युनिटी। और इस तरह से जो चाइल्ड मैरिजेस यानी कि बाल विवाह जो है वो भी इससे रुक गया, क्योंकि जब तक ये उनके पास ये जो पैसा है उसकी लड़की के एजुकेशन के लिए बाद में वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक ये नया जो पहल है उन्होंने की थी। टुडे द सैपलिंग्स कन्वर्टेड इन टू ट्री। अब जो पहले उन्होंने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं उनके बड़े बड़े ट्रीज़ बन गए, और ये ट्रीज़ जो है उन्होंने वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ किया। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनके रूट्स हैं वो वाटर को, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और सॉइल में जो है पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से जितने उन्होंने ट्रीज़ लगाए हैं उसकी वजह से वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बढ़ गया। देन दैट्स नॉट ऑल, वी हैव ऑल्सो बिन एबल टू कन्वर्ट द नेचुरल प्रोडक्ट्स ग्रोन इन आवर विलेजेस इन टू अ स्मॉल बिजनेस। अब इन प्लांट से जो भी चीज़ें उनको मिलती थी, जो प्रोडक्ट्स उनको मिलते थे, वो ये सारे ट्रीज़ के जो फ्रूट्स है या फिर उनके सीड्स है, लीव्स है, उनके स्टेम है, उनसे उन्होंने नई नई चीज़ें जो है वो बनाना शुरू किया। दैट इज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाने शुरू किए एंड दिस हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स एंड लिफ्टेड द ओवरऑल इकोनॉमी। और इस तरह से गाँव के ही लोगों को काम मिल गया और वहीं पर वो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने लगे। यू कैन सी हियर पिपलांत्री नाम से ही वो जो है वहाँ पर ऑयल हो गया, या फिर क्रीम है, फेस क्रीम है, या फिर नीम ऑयल है, शैम्पू है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो गांव में ही बनने लगे। तो इस तरह से ना सिर्फ वहाँ पर लड़कियों के जन्म की खुशियाँ मनने लगी, बल्कि पूरे गांव को, गांव जो है हरियाली से कवर हो गया, ग्रीन कवर हो गया सब तरफ, और ये प्लांट से मिलने वाले जो चीज़ें हैं उनसे वहाँ पर चीज़ें बनने लगी। द नेक्स्ट वी विल सी अनदर विलेज, दैट इज़ पुंसरी विलेज इन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। गुजरात का एक विलेज है ये साबरकांठा, जिसको बोल डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में पुंसरी विलेज। इट हैज़ कम्प्लीटली मॉडर्नाइज इट सेल्फ। अब ये जो विलेज है वो पिपलांत्री से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो अलग है। अब यहाँ पर स्पेशल क्या है, दे हैव एयर कंडीशन स्कूल एंड सीसीटीवी कैमराज। गांव में और स्कूलों में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और वहाँ के स्कूल जो है वो एयर कंडीशन स्कूल्स हैं। और इस गांव में जो है 0 स्कूल ड्रॉपआउट्स, मतलब गांव के सारे बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। वहाँ पर गर्ल चाइल्ड की मैरिज नहीं होती, यानी कि बाल विवाह नहीं होता है जब तक कि वो लड़की 18 ईयर्स की नहीं हो जाती। देन वहाँ पर बैंक है, वहाँ पर फंक्शनल टॉयलेट्स हैं, जगह जगह लगे हुए हैं टॉयलेट्स। देन दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ दैट पुंसरी ग्राम पंचायत, इस तरह का गेट वहाँ पर बना हुआ है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द विलेज पुंसरी। देन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से गाँव में क्लिनलीनेस है बिल्कुल, वहाँ पर आप कचरा नहीं देख सकते। लोग जो हैं सिर्फ वेस्ट कलेक्ट करने जो आते हैं उनको ही अपना कचरा देते हैं, उसमें भी गीला कचरा अलग यानी कि वेट जो गार्बेज होता है वो अलग, और ड्राई जो गार्बेज है वो अलग कलेक्ट किया जाता है। देन हियर यू कैन सी दिस इज़ द वाटर प्लांट, ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, जहाँ पर क्लीन वाटर सप्लाई किया जाता है। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ ग्राम पंचायत, देन सीसीटीवी कैमराज, और इस तरह से स्कूल जो है वो एयर कंडीशन और कंप्यूटर्स से बिल्कुल लेस है। यहाँ आप देख सकते हो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फार्मिंग में, और बच्चे जो है कंप्यूटर से वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो इट वॉज़ अबाउट द पुंसरी। नेक्स्ट विलेज इज़ रायगंज सिद्धि। तो रायगंज सिद्धि ये जो है एक महाराष्ट्र का विलेज है, और आप देख सकते हो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राणीगंज सिद्धि बिफोर सम ईयर्स, है ना। वहाँ पर बहुत गरीबी थी, लोग बहुत पुअर थे, बारिश नहीं होती थी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, पानी के लिए उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, बिल्कुल वहाँ पर प्लांट्स नहीं थे, बंजर ज़मीन थी। लेकिन वहाँ पर गांव के लोग, ग्राम पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट, इन तीनों ने मिलके कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज ये आज का व्यू वहाँ पर है। और इस तरह से आज वहाँ पर पानी पानी है चारों तरफ, हर तरफ ग्रीनरी है, और लोगों के लिए वहाँ पर
बहुत मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा ग्रीन विलेज बन गया है राणेगन सिद्धि, और इसके लिए सबने मिलकर काम किया है, नॉट ओनली द ग्राम पंचायत बट ऑल द पीपल, बच्चे बूढ़े जवान सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। और ये एक वाटरशेड प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ पर उन्होंने जितनी भी बंजर जमीन थी वहाँ पर उन्होंने चेक डैम्स बनवाए, जगह जगह गड्ढे बनवाए, तालाब खोदे, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश में पानी इकट्ठा होने लगा, सॉइल के अंदर जो जिसको हम ग्राउंड वाटर लेवल बोलते हैं वो भी वहाँ पर वाटर टेबल जो है वो भी वहाँ पर बढ़ गया, और पानी आने की वजह से वहाँ पर जो है चारों तरफ हरियाली हो गई। तो इस तरह से उन्होंने प्लांटेशन वहाँ पर शुरू किया, कंटूर ट्रेंचेस जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से जो है वहाँ पर अच्छे से प्लांट्स जो है वो ग्रो होने लगे। देन दिस इज़ द लास्ट विलेज दैट वी विल रीड अबाउट। सो दिस इज़ मॉलिनोंग विलेज, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। तो ये विलेज है मेघालय में मॉलिनोंग, और ये एशिया का सबसे क्लीन विलेज है। आप देख सकते हो इस तरह के जो बैम्बू के बने हुए जो डस्टबिन है वहाँ पर रखे जाते हैं जगह जगह, और हर कोई अपने गाँव को क्लीन रखने में हेल्प करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान। तो यू कैन सी ऑल द स्ट्रीट्स एंड एवरीवेयर ओनली क्लीनलीनेस इज़ देयर, नो बिट ऑफ गार्बेज यू कैन सी हियर ऑल्सो। यू कैन सी मेघालय वैसे तो बहुत सुंदर जगह है, हर तरफ वहाँ पर प्लांट्स है, हिल्स है, वैलीज है, हरियाली है चारों तरफ, और इस तरह से उन्होंने अपने नेचर को यानी कि अपने घरों के आसपास पूरे गांव में साफ सुथरा रखा, और एंड दे गॉट द टाइटल ऑफ एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। सो इन दिस वे वी हैव सीन द लाइफ इन विलेजेस इन इंडिया। ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम देम। सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।